दिग्विजय सिंह ने दरअसल आज कुछ बातें कही हैं, उसी पर मैं चाहूंगा बीजेपी के नेता क्या कहते हैं। मैं पढ़कर सुना रहा हूं दिग्विजय सिंह का बयान। राम मंदिर निर्माण का कभी विरोध हमने नहीं किया। गैर विवादित भूमि पर राजीव जी के समय पूजा हो गई थी। नरसिम्हा राव जी ने मंदिर के लिए गैर विवादित भूमि का अधिग्रहण किया था। अखिलेश जी, अगर दिग्विजय जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने राम मंदिर निर्माण का कभी विरोध नहीं किया, तो ये किसने कहा था कि वहां पर मंदिर और मस्जिद अगल बगल बनाना चाहिए? ये किसने कहा था कि वहां अस्पताल बनाना चाहिए? ये किसने कहा था वहां विश्वविद्यालय बनाना चाहिए? आजादी के बाद से लेकर के 60 सालों तक कांग्रेस की सरकार थी, किसने रोका था स्कूल अस्पताल बनाने के लिए? लेकिन क्या स्कूल अस्पताल हमारे माँ बाप के घर पर ही बनेगा? राम के बिना भारत राष्ट्र की कल्पना नहीं हो सकती। तो क्या प्रभु श्री राम की जन्मभूमि ही बची है स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए? और ये कांग्रेस के लोग ढोंग करते हैं आज। अब देखिए दोनों तरफ बोल रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं राजनीतिक कार्यक्रम है, एक तरफ कह रहे हैं मोदी जी योगी जी उसका श्रेय ले रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं हम भी तो बनाना चाह रहे थे। तो अगर आप भी बनाना चाह रहे थे तो आप याद करिए अपना इतिहास, जब गुजरात में सोमनाथ मंदिर का वहां पर सुंदरीकरण का जीर्णोद्वार का शिलान्यास करने तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी गए थे तो नेहरू जी ने विरोध किया था, और ताला खुलने के बाद सारे कांग्रेसी राजीव गांधी जी के पीछे पड़ गए और उसके बाद लगातार कांग्रेस इसका विरोध करती रही। और कितना, मैं चर्चा को थोड़ा दूसरी दिशा में भी ले जाना चाहता हूँ। दरअसल ऐसा लग रहा है, आप लोगों की इस पर क्या राय है? क्या भगवान राम आज की तारीख में राजनीतिक दलों के लिए मजबूरी भी हो गए हैं कि अगर राम राम नहीं करोगे तो जनता नकार देगी? अरविंद केजरीवाल जी ने भी आज से सुंदरकांड का पाठ शुरू कर दिया है दिल्ली में। मेरा नाम जगमोहन सिंह है, राजस्थान निवासी हूं मैं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि 60-70 साल से जो किसी पार्टी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, 60-70 साल से जो विकास कार्य हो रहा है वो जनता देख रही है। अब 10 साल में जो विकास कार्य होने लग गया है, रामलला यहाँ विराजमान होने वाले हैं, उनका भव्य महल यहाँ बन रहा है, तो ये लोगों को रास नहीं आ रहा है। और आपने एक बात बोली कि राम राम कहोगे तो यहाँ रहोगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा कि क्या राजनीतिक दलों की मजबूरी हो गई कि भगवान राम का तो लेना ही पड़ेगा? ऐसा राजनीतिक दलों का कोई कुछ भी नहीं है। राम अगर हिंदुस्तान में रहना है तो राम राम तो कहना पड़ेगा। ठीक है, एक एक भजन के साथ मैं ब्रेक पर जाना चाहूंगा, एक छोटे से अंतराल का वक्त हो गया है, लेकिन एक छोटे में जरा मधुर भजन कोई सुना दीजिए जी। श्री अवध धाम के जो आज महिमा और यहाँ का जो महामहोत्सव हम लोगों को देखने को मिल रहा है, इसी महोत्सव को प्रदर्शित करता हुआ और इसमें वर्णन किया गया है भजन में। अवध के बराबर नहीं कोई भूमि कि बैकुंठ भी इससे शर्मा रही है। अवध के बराबर नहीं कोई भूमि कि बैकुंठ भी इससे शर्मा रही है। अवध के बराबर चरण धो रही है नित सरयू की धारा, अनोखी छटा छवि बिखरा रही है। अवध के बराबर नहीं कोई भूमि के बैकुंठ भी इससे शर्मा रही। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।